हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फ्री में जानकारी यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों ने बिल्कुल दिल खुश कर दिया। यहाँ पे देखो ढेर सारे आप लोगों ने अनलिमिटेड ट्रिक भी अपने आप ही यूज कर लिया था और एक एक अकाउंट में $8-8। मगर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि तेल कैसे करना है, तो वो मैं सारा कुछ इसमें बताऊंगा। और यहाँ पे जो नया एयर ड्रॉप था अस्तर वाला, वो भी रिसीव हो चुका है, तो भर भर के यहाँ पे प्रूफ मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारे एयर ड्रॉप की अपडेट, प्लस यहाँ पे कुछ नए एयर ड्रॉप है उसकी यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहना, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि आज की वीडियो में बिल्कुल 100% वेरीफाइड एयर ड्रॉप लेके आए हूं, तो एक भी बंदा यहाँ पे मिस मत कर देना। तो जो आज का एयर ड्रॉप रहने वाला है das.bit डोमेन की तरफ से, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, तू इधर उधर से प्रोजेक्ट उठा के ले आता है, ठीक है। तो इनकी पार्टनरशिप बहुत ही बड़ी बड़ी है और यहाँ पे सबसे पहली बात, ये 2020 से काम कर रहा है और यहाँ पे अप टू 60,000 से ज्यादा डोमेन रजिस्टर हो चुका है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि ENS.ETH डोमेन ने यहाँ पे लोगों को 8,000 से लेके 14,000 डॉलर का यहाँ पे एयर ड्रॉप दिया था, ठीक है, जिसने मतलब इनका डोमेन वाई करके होल्ड किया था। तो उसी प्रकार से इसका अपडेट अब यहाँ पे आपको, ऐसा नहीं है कि आपने किडनी बेच के और यहाँ पे ये मतलब डोमेन बाई कर लिया। ये देखो सबसे पहले इनके प्रोजेक्ट मतलब जो भी इन्होंने इंटीग्रेटेड कर रखा है अपने टोकन पॉकेट, मैथ वॉलेट, हुबी वॉलेट, सेफल वॉलेट, हाइपर पे, बिट के, मतलब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टों से इंटीग्रेटेड कर रखा है। अब देखो यहाँ पे 100% ऐसा नहीं है कि आपने बाई कर लिया तो अभी आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। इसका रूमर्स निकल के आ रहा है, अगर आपने इसके डोमेन को बाई करके रखा है तो आने वाले इसी ईयर में आपको 400 से लेके 1000 से लेके 2000 तक का डॉलर प्रॉफिट हो सकता है। जो इनका डोमेन रहने वाला है IM, ईमेल और SNS सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म में आप यूज कर सकते हो। और भाई लोगों, आप सोचोगे कि मैंने इनका डोमेन बाई कर लिया तो मेरे तो पैसा गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप डोमेन बाई करके वो आपकी डोमेन NFT बन जाएगी, इंस्टेंटली आप उसको सेल भी कर सकते हो। तो देखो जो मैंने लिंक दिया इसको आप कॉपी कर लेना और उसके लिए आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में आ जाना है, और ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद इस लिंक को इसको पेस्ट कर देना है। और इसको जैसे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको अपना नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है गाइस, यहाँ पे BNB स्मार्ट चैन का, ठीक है। देखो स्मार्ट चैन का नेटवर्क सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना। अब देखो डोमेन तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, मगर उससे पहली बात आती है ना, आप लोगों ने अगर यहाँ पे $5-6 लगा भी दिए तो वो वहां पे आप सेल कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे जो कॉर्नर में यहाँ पे मार्केट प्लेस लिखा है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो इतने सारे डोमेन दिखेंगे, मतलब किसी ने 1,00,000 CKB में, मतलब ये टोकन है आपका CKB में मतलब सेल होगा, और इस CKB को आप यहाँ पे मार्केट प्लेस में लिस्ट भी, मतलब लिस्ट है तो यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे एक डोमेन पे क्लिक करके दिखाता हूँ, और ये डोमेन देखो किसी ने मतलब यहाँ पे मतलब $6-7 का बाई करके $2000 में सेल पे लगा रखा है। देखो मैं इसको वीडियो में पहले इसलिए कवर कर रहा हूँ, मैं इसकी वीडियो मतलब पिछले महीने में जनवरी में बनाने वाला था मगर मुझसे 2 दिन लेट हो गए। मैंने अगर बीच पे क्लिक करोगे तो देखो मैंने अपना डोमेन ऑलरेडी यहां पे रजिस्टर कर रखा है, बस आप लोगों के बताने के लिए, ताकि इसका एयर ड्रॉप आप लोग मिस ना कर पाओ, उसके लिए मैंने इस वीडियो को फटाफट से पहले ही फरवरी को यहां पे कवर करने की कोशिश की है। तो यहां पे फिर से एक्सप्लोरर पे क्लिक करना और यहां पे आप लोग अपना डोमेन सर्च कर लेना, जैसे कि कुछ भी मैं अपना फ्री में जानकारी यहां पे सर्च करता हूं। अब यहां पे आपको पहले ही बता दे रहा हूं, देखो ऑलरेडी यहां पे लिख के आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर, जो कि मैंने कर रखा है, ठीक है। तो मैं यहां पे फिर से यहां पे यूनिक सा नाम यहां पे सर्च करूंगा, जैसे मैंने ANS में किया था। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है, जो भी यहां पे आप डोमेन बाई करोगे वो आपका यूनिक रहना चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पे सर्च किया है BTC miner hub.bit, तो ये यहां पे ऑलरेडी अवेलेबल, तो यहां पे मैं करूंगा रजिस्टर पे क्लिक। अब यहां पे देखो आपके $6-7 मतलब पहले यहां पे $10 लग रहे थे, अब यहां पे देखो अगर यहां पे जो लिंक मैंने दिया उससे आप रजिस्टर करोगे तो यहां पे आपको 5% का आपका फीस का मतलब सेविंग हो जाएगी, और उसके बाद यहां पे $7 आपका खर्चा आने वाला है। यहां पे रजिस्टर पे क्लिक करना, जैसे यहां पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे उसके बाद यहां पे का ऑप्शन आएगा, पे ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका टोटल यहां पे $8-8.5 का खर्चा आने वाला है। तो मैं यहां पे ट्रांजैक्शन को कंफर्म करता हूं, और उसके बाद अब मेरा ब्लॉकचेन पे ये जो डोमेन है जो कि BTC miner hub.bit, ये मेरा रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेटिंग करूंगा जब तक ये मेरी सारी ग्रीन ग्रीन यहाँ पे टिक नहीं आ जाते हैं। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसके ये रूमर्स हैं, ऐसा नहीं है 100% जैसे कि ENS का, TNS का 100% कन्फर्म नहीं था, मगर जिन लोगों ने अर्ली एक्सेस में उन लोगों का डोमेन बाई कर लिया था तो उन लोगों को बाद में एक एक
$1,000 से लेके, और ENS वाले में तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ। तो देख सकते हो मेरी यहाँ पे एक कंफर्मेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरा लॉक अकाउंट, रजिस्टर अकाउंट, इसका मैं वेट करूंगा। आप तब तक मतलब चाय वगैरह पी लेना 2-3 मिनट, तब तक यहाँ पे आपका डोमेन रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट एयर ड्रॉप पे। तो यहाँ पे 2-3 मिनट वेट करने के बाद मेरी सारी चीज यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ व्यू माई अकाउंट पे। तो देख सकते हो इस मतलब इस डोमेन का अब यहाँ पे ओनर मैं बन चुका हूँ, ठीक है, सक्सेसफुली। तो ये तो देखो वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग, अभी मजा आने वाला है बहुत ही ज्यादा वीडियो में। देखो तो यहाँ पे अब बात आती है जो SRL बाई टोकन है, ये सभी लोगों के कैसे सेल होंगे। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब रेडियम पे सेल करने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका सेल भी नहीं हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है, आपको मैंने टेलीग्राम पे एक लिंक दिया, ठीक है, इस प्रकार से इस लिंक को आपको करना है कॉपी और आ जाना है अपने। तो देखो मैं आ गया हूँ अपने कीवी ब्राउजर में, फैंडम वॉलेट में, और यहाँ पे मुझे भी यहाँ मतलब 50 मिल चुके थे जो कि $7.50 के। अब यहाँ पे बात आती है इनको सेल कैसे करना है। जो लिंक मैंने आपको दी है उसको आपको पेस्ट कर देना है, चाहे क्रोम ब्राउजर में सही, चाहे यहाँ पे फैंटम वॉलेट मतलब कीवी ब्राउजर में सही, क्योंकि ये मतलब solid.io को भी सपोर्ट करता है और यहाँ पे फैंटम को भी सपोर्ट करता है, और मैंने दोनों की प्राइवेट की सेम रखी है। तो मैं अगर क्रोम ब्राउजर में करूँगा तो वहाँ पे भी मेरा सेम शो होगा, और यहाँ पे मैं करूँगा तब भी मेरा यहाँ पे सेम ही शो होगा। ठीक है, तो अगर मैं कीवी ब्राउजर में करता हूँ तो मैं फैंटम वॉलेट से करूँगा। तो यहाँ पे आपके कनेक्ट का ऑप्शन दिखता होगा, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, तो मैंने अभी इसको कर लिया है मतलब क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, अगर आप कीवी में कर रहे हो तो फैंटम एक्सटेंशन से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करूंगा इस पे solid.io पे क्लिक। देखो जैसे ही solid.io पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अप्रूव कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको बता दूं यहाँ पे आपको कम से कम $1 का आपके पास सोल होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप स्वैप कर पाओगे। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक किया, ये मैक्सिमम का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो आपके वॉलेट में से ये आ जाएगा और यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको $7.48 मिलेगा। और यहाँ पे अगर प्राइज अप डाउन होता है तो यहाँ पे इस प्रकार से देखो रिफ्रेश हो गया, मतलब यहाँ पे अब बढ़ भी गया, मतलब अब मुझे 8 मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब काफी अच्छा रिवार्ड पूल मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे बाय भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से मैं अब यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करता हूँ मेरे वॉलेट पे एक कन्फर्मेशन आई होगी। और हाँ, अगर आप लोगों के पास यहाँ पे मतलब $1 का सोल नहीं है तो मैं इतना कर सकता हूँ कि कुछ लोगों को, सबको नहीं, आप मेरे टेलीग्राम पे आना, उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोल दे दूंगा $1 के लिए, मगर आप अपना ट्रांजेक्शन करके मुझे मेरा सोल वापस दे देना। ये मैं कुछ बंदों के लिए करूंगा, सबके लिए नहीं, क्योंकि सबके लिए करूंगा तब तो भाई मुझे भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अप्रूव ऑल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं अप्रूव ऑल पे क्लिक करूंगा तो ट्रांजैक्शन मेरा यहाँ पे कन्फर्मेशन होने के लिए चला जाएगा। 3 कन्फर्मेशन होंगी जिसमें 2 हो चुकी हैं। अब एक जैसे यहाँ पे 3 कंप्लीट होगी मेरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल। तो यहाँ पे देखो 2 मतलब ऑप्शन हो रहे थे, एक बेस्ट प्राइस वाला, एक यहाँ पे नीचे से हो रहा था। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंस्टेंटली इसको सेल कर दिया और $7.59 मेरे यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे SRLY टोकन यहाँ पे कट चुके हैं। ठीक है, तो इसी बात पे एक लाइक भी कर देना अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो। ठीक है, आप देखो 3 सेकंड के लिए मेरी वॉल्यूम यहाँ पे रुकोगी। अब मैं यहाँ पे AGF और यहाँ पे एल्गोमेंट का अपडेट देने वाला हूँ, तब तक आप यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखो अगेन मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि मेरे यहाँ पे टोकन मेरे वॉलेट मतलब डॉलर मेरे वॉलेट में आ चुके हैं। ठीक है, तो सबको यहाँ पे एक अकाउंट पे $7-8 का प्रॉफिट, और लोगों ने तो यहाँ पे मतलब 6-6, 10-10 बनाया, तो उनका उस हिसाब से प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे बिल्कुल शांति से आप लोगों के क्वेश्चन है कि यहाँ पे एल्गोमेंट का और यहाँ पे AGF टोकन का अपडेट दो। तो मैं आपके लिए ही आज यहाँ पे 9:30 बजे के आसपास इनके ग्रुप में गया था और मैंने इनसे पूछा था कि यहाँ पे मतलब एयर ड्रॉप का कैसा क्या है, आप लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं। तो इनमें मतलब एडमिन ने सबसे पहले मुझे मतलब DM में बुलाया, और DM में मतलब एडमिन ने खुद मुझे साफ साफ बोला है डिस्ट्रीब्यूशन बिल भी अर्ली मार्च। तो मैंने पूछा था कि अर्ली मार्च मतलब आपका कब तक होगा, डेट तो कुछ बता दीजिए। तो इन लोगों ने कहा था, जैसे कि यहाँ पे आपको ट्विटर पे ट्वीट किया था कि यहाँ पे 200 या 300 250 लोग कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट किए गए, मगर अब इन लोगों ने सिस्टम दूसरा किया है, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि सर हमारे पास यहाँ पे मिंट वगैरह करने के लिए लोग 1000 आए थे, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे सबको सैचुरेटेड मतलब अमाउंट दिया जाए ताकि यहाँ पे कोई भी बंदा निराश ना हो। तो यहाँ पे मैंने पूछा था फिर भी टाइम कितना लग सकता है,
तो यहाँ पे एडमिन ने मुझे खुद यहाँ पे बोला टेक अ लिटिल टाइम, तो यहाँ पे हमको देखो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे इन लोगों ने खुद बोला है कि आपको पॉसिबल मतलब 10 दिन, इन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो इसी वीक में हो जाएगा, मतलब मार्च के पहले वीक में ही, मतलब इन्होंने कहा था मैक्सिमम 10 डे लग सकते हैं। मगर यहाँ पे देखो एक चीज को और ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर कोई भी एयरड्रॉप वगैरह करता है तो वहाँ पे लोगों का डाटा लाना, फिर उनमें से सबको चूज करना, फिर उनकी लिस्ट बनाना, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है भाई लोगों। तो यहाँ पे देखो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक हफ्ता मतलब वेट नहीं कर सकते हो तो भाई देखो ग्रुप में आप सेम क्वेश्चन बोई करोगे कि आपने मतलब 28 तारीख को यहाँ पे मतलब लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि इसको एयरड्रॉप मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। जैसा भी इन लोगों का मतलब टर्म एंड कंडीशन होंगी उस हिसाब से आपको एयरड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बस हम इतना कर सकते हैं कि इन्होंने 10 डे के लिए बोला है, मतलब पहले वीक के लिए, तो पहला वीक हमको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप सभी लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दूर हो गए होंगे, जो भी सवाल जवाब थे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं AGF, जो भी हमने एक्यूमेटेड साइट पे यहाँ पे अपना सप्लाई किया था AVAX, तो ये रही AGF वाली साइट जिसमें हमने अपना AVAX टोकन यहाँ पे सप्लाई किया था। तो यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या मैं अब यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी हटा लूँ, तो यहाँ पे हाँ आप अपनी सप्लाई और लिक्विडिटी हटा सकते हो, क्योंकि इनका स्नैपशॉट मतलब जो डेट मैंने आपको बताई थी 4 या 1, उससे 28 तारीख तक लगातार पर डे स्नैपशॉट हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्नैपशॉट कंप्लीट हो चुके हैं सारे। अब ये जितने भी आपके मतलब 28 दिन में 20 दिन में आपके स्नैपशॉट में जो भी आपका बैलेंस कैप्चर हुआ होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे AGF टोकन मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया था लगभग $0.7 मिलियन का पूल रखा गया था। और यहाँ पे आप लोग कहोगे कि ये ड्रॉप कब मिलेगा, तो मैं आपको इनकी ट्वीट पे लेके चलता हूं, जो कि इनकी ये वाली मतलब मीडियम पोस्ट थी, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे मतलब इन लोगों ने इतना बड़ा पूल रखा था, ऑलरेडी टोकन लिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप कॉइन गी को ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज की आपको ये पूछना है कि यहाँ पे टोकन मतलब बटेंगे कब, तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि यहाँ पे जो एयर ड्रॉप स्टार्ट हुआ था मतलब 2 फरवरी से हुआ था, 28 फरवरी तक यहाँ पे चला था और डेली स्नैपशॉट हुए थे, ठीक है, रैंडम। अब यहाँ पे इन लोगों ने पूछा है मतलब इन लोगों ने बताया है मतलब जिन लोगों ने भी यहाँ पे अपनी बैलेंस को सप्लाई किया था, जितने भी पार्टिसिपेटेड थे, तो यहाँ पे उनको कैलकुलेट रिवार्ड किया जाएगा वेस्टिंग पीरियड 15 डे, ठीक है, 15 डे। अब यहाँ पे लिखा है एयर ड्रॉप पीरियड एंड, तो यहाँ पे आई पार्टिसिपेट विल बी एबल टू क्लेम एयर ड्रॉप, ठीक है, रिवार्ड 1, मतलब जो सबसे पहले आपका रिवार्ड क्लेम किया जाएगा वो यहाँ पे मार्च के महीने में किया जाएगा, मतलब इसी महीने में। अब आप कहोगे इस महीने में किया जाएगा तो किस डेट को किया जाएगा, तो साफ साफ इन लोगों ने यहाँ पे कहा है मतलब पहले ही कर दिया था, वही बात है कि लोग पोस्ट पढ़ते नहीं है, तो इसमें मतलब हमारा भी क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे विड्रॉल इस पीसेस, जो आपका फर्स्ट प्राइज होगा वो यहाँ पे आप 16 मार्च को विड्रॉल कर पाओगे। तो देखो एल्गोमिंट का और AGF का मैंने साफ साफ आपको बता दिया है कि आपको एयरड्रॉप कितने दिन बाद या किस तारीख को आपको मिलेगा, तो उस डेट तक आपको मतलब सबर रखना पड़ेगा। ग्रुप में बहुत लोग यहाँ पे स्पैम वगैरह करते रहते हैं, तो अब आने वाली है मतलब पुराने लोगों के लिए नए लोगों के लिए कि नए एयर ड्रॉप क्या है। तो अब यहाँ पे जो खजाना दिख रहा है ना, ये जितने भी टोकन मुझे यहाँ पे क्लेम करने के लिए दिख रहा है, ये मुझे सारे के सारे एयर ड्रॉप में मिले हैं। अब किसी किसी की वैल्यू यहाँ पे मतलब 10 ADA है, किसी की यहाँ पे 20 ADA, कुछ टोकन यहाँ पे नए हैं मार्केट में, और कुछ देख सकते हो कितना सारा लगभग 30 से 35 एयर ड्रॉप एक साथ ही मुझे मिले हैं। तो इसको कैसे क्लेम करना है और या क्या आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, वो सब यहाँ पे अभी मैं 3 सेकंड की मेरी वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम स्टॉप होगी, उसके बाद बताऊंगा। और हाँ, तो टेलीग्राम पे आपको बता दूं ये एयरड्रॉप नंबर है, नंबर मतलब एयरड्रॉप नंबर 3। तो सबसे पहले तो आपको इसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी और सबसे पहले इसका ऑफिशियली ADA का यहाँ पे वॉलेट मिल जाएगा। तो मुझे ये इतने बड़े बड़े एयरड्रॉप मिले कैसे, मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, बस यहाँ पे अपना मैंने कीवी ब्राउजर में आया, एक्सटेंशन को ऐड किया जो कि ADA की ऑफिशियली मतलब वॉलेट है ADA का, इसको अपने कीवी ब्राउजर में मतलब डालने के बाद ऐड कर लेना। और यहाँ पे देखो आपको 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद योरोई एक्सटेंशन दिख जाएगी, यहाँ पे अपने नया वॉलेट बना लेना। अब उसके बाद आपको बाइनेंस से या कहीं से भी अपने इस वॉलेट में, ये आपका प्राइवेट वॉलेट है जैसे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट होता है मेटामास्क, यहाँ पे अपना रिसीव पे क्लिक करना। रिसीव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये एड्रेस मिल जाएगा, इस एड्रेस पे ADA डाल देना अपने बाइनेंस से कहीं से भी। ध्यान रखना आपका 20 से 25 मिनट लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी लेट ट्रांजेक्शन होती है। अभी देखो मैं इसको क्लेम करने भी बताऊंगा कैसे
इसको एयर ड्रॉप को क्लेम करना है। और जो एयर ड्रॉप मतलब लोग मतलब जैसे दिन में 20-30 एयर ड्रॉप ज्वाइन करते रहते हैं और उनको अच्छे अच्छे टोकन नहीं मिल पाते, तो मैं दिखाता हूँ कि इससे आपको कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे एयर ड्रॉप आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे अपने मतलब अपना डाल दिया ADA, उसके बाद यहाँ पे डेली गेट पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेली गेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डेलीगेटर्स मिल जाएंगे, जिसमें किसी पे भी आप अपना ADA डेलीगेट कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी ADA की ब्लॉकचेन पे टोकन बिल्ड होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्नैपशॉट लेके और जो भी यहाँ पे वैलिडेटर्स होते हैं उनको यहाँ पे एयर ड्रॉप प्रोवाइड कराते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे क्लेम के लिए। और हाँ, ये एयर ड्रॉप ना जैसे पुराने बंदे ने तो कर ही लिया है, यहाँ पे नए बंदे जितने हैं वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करके अपना रिसीविंग एड्रेस लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्लेम भी करना है ना कि एयरड्रॉप इतने सारे क्लेम कैसे करने हैं। तो मेरे भाई लोगों, आपने एक्सटेंशन ऐड कर लिया, अपना ADA डिपॉजिट कर लिया, डेलीगेट कर लिया और कुछ दिन आपको हो गए, उसके बाद आपको ये ड्रिप ड्रॉप वेबसाइट दिख रही है, इसको कॉपी करके अपने किसी भी वॉलेट में डाल देना, ठीक है। जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट के डैप में भी यूज कर सकते हो, या आप किसी ब्राउजर में जैसे कीवी या फिर क्रोम में कर सकते हो। तो कीवी में मत करना, क्रोम में यूज करना, कीवी में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ना, ये ड्रिप ड्रॉप वेबसाइट ऐसी है, यहाँ पे आपका एड्रेस आपको पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे इंटर योर वॉलेट स्टेक, मतलब अगर आपने स्टेक कर रखा है, डेलीगेट कर रखा है, तो उसके लिए आपको कुछ रिवॉर्ड मिला है। यहाँ पे डाल के आप चेक करिए कि आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिला है। तो यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे चेक माई ड्रॉप्स पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे चेक माई ड्रॉप्स पे क्लिक करता हूं तो नीचे यहां पे थोड़ा सा रिफ्रेश लेगा, उसके बाद यहां पे दिख जाएगा आपको कि आपने मतलब यहां पे टोटल स्टेकिंग की है 14.8 ADA, ठीक है। और उसके बाद यहां पे आपको देख सकते हो कितने सारे एयरड्रॉप्स मिले हैं गाइस यहां पे। जैसे कि ये मुझे लैफ टोकन है, इसका मुझे इतना सारा मिला जो कि मीम टोकन है, और यहां पे जो DEFS टोकन है ये मुझे 25 मिले हैं। अब इसको क्लेम कैसे करना है, और जो हां खुद की इनकी वेबसाइट है ना ड्रिप ड्रॉप स्वैप जैसी वेबसाइट पे ये टोकन ऑलरेडी लिस्टेड है। और आपको एक चीज और दिखाता हूं, अगर यहां पे आप वेरीफाइड कैसे करोगे, सबसे पहली बात होती है मतलब आपको यहां पे एयरड्रॉप मिल गया तो यहां पे आप क्लेम कैसे करोगे। तो यहां पे आप जैसे ही क्लेम पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो डायरेक्ट क्लेम नहीं होगा, क्लेम पे क्लिक करोगे तो ये यहां पे टिक होगा। अब यहां पे टिक होने का मतलब क्या है, ऐसा है यहां पे होने का टिक मतलब ये है, आप बिल्कुल नीचे जाओगे, देखो बिल्कुल नीचे जाते हूं तो यहाँ पे आपको एक चीज दी गई है सिलेक्टेड 0 to 10, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 10 एयर ड्रॉप सिलेक्ट करके और यहाँ पे क्लेम माई ड्रॉप पे क्लिक कर सकते हो। तो आप एक बार में 10 एयर ड्रॉप के टोकन को क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्लेम का मतलब ये है कि आपके वॉलेट में सारे टोकन चले जाएंगे, मगर वो कैसे जाएंगे, यहाँ पे आपको साइट से या वॉलेट से कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे टोकन क्लेम करने का प्रोसेस अलग है जो कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। जैसे मुझे यहाँ पे देख सकते हो 1000 ACB टोकन मतलब मिल गए। अब मेन चीज आती है यहाँ पे, आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे कि ये वाला मुझे क्लेम कर रहा है, मान लीजिए ये वाला अच्छा है तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कैसे करूंगा। तो यहाँ पे देखो जो ये मतलब यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, ये इस वेबसाइट की ऑफिशियली लिंक है गाइस, ठीक है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये टोकन पे क्लिक करता हूँ जो कि मुझे ओनली एक मिला है, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक टोकन मिला है तो जाहिर सी बात है इसकी मतलब कुछ वैल्यू भी होगी। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ अच्छा ये प्रोजेक्ट है क्या और इसकी मतलब कुछ मार्केट में वैल्यू है भी या नहीं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाता हूँ, ये इनकी ऑफिशियली मतलब ये प्रोफाइल खुल गई और यहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड और वेबसाइट मिलेगी। तो यहाँ पे मतलब इनका ट्विटर वगैरह नहीं है, अभी मैं दूसरी वेबसाइट पे भी क्लिक करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है। वेबसाइट पे ये देखो मतलब ये लंबे समय की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने एक ही बार आए और ऐसे मतलब एयर ड्रॉप मिल गया। एक बार आप ये काम करोगे यहाँ पे मालामाल हो जाओगे। तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आया और साफ साफ लिखा है कि ये मतलब वेबसाइट अभी डेवलपमेंट में है, तो यहाँ पे टोकन ये अभी कहीं लिस्ट नहीं है, मगर यहां पे अगर आपको ये एक टोकन चाहिए, अगर एक टोकन चाहिए तो यहां पे आपको इस एड्रेस पे 25 ADA भेजना पड़ेगा। मतलब जो आपको एयरड्रॉप मिला है एक टोकन का, उसकी वैल्यू कितनी हुई, 25 ADA, और जो कि अभी लिस्ट नहीं है। और ये जब ये लिस्ट होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2x ही कर देता हूँ या 3x कर देता हूँ, तो आपका 100 या 75 मतलब ADA हो गया। और अभी मार्केट में बात करूं तो $1 के आसपास चल रहा है, और यहां पे अगर मैं जैसे कि 25 बोला है इसने, ठीक है, एक टोकन की वैल्यू, तो जो कि $24 बन रही है भाई लोगों, मतलब फ्री के यहाँ पे $24। और ये जो $24 बता रहा हूँ ये टोकन लिस्ट नहीं है, तो हो सकता है ये मतलब बाद में फ्लॉप हो जाए, मगर यहाँ पे अगर ये लिस्ट हुआ और प्रोजेक्ट मतलब अच्छा निकल गया, तो अगर ये 2x या 3x अगर यहाँ से 10x कर गया, तब तो भाई साहब आप माला माल हो जाओगे।
अच्छा चलो एक यहाँ पे प्रोजेक्ट और ढूंढता हूँ, इसी प्रकार से आपको ढूंढना है। ये जो ड्रिप ड्रॉप है ये तो गाइस 1000 टोकन मिले हैं, ये तो खुद के इसके ही टोकन है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे संडे स्वैप एक्सचेंज पे लिस्ट भी है। ठीक है, तो मैं चलिए यहाँ पे एक अच्छा सा गेमिंग प्रोजेक्ट ढूंढता हूँ इसमें। तो चलिए ये वाला प्रोजेक्ट देखता हूँ, ये गेमिंग प्रोजेक्ट मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ और इसकी वेबसाइट पे पहुँचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सोशल मीडिया देख सकते हो, इसकी वेबसाइट, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, ट्विटर, ये सारे अवेलेबल है। तो अगर मैं इसके ट्विटर पे क्लिक करता हूँ तो ट्विटर पे जैसे ही गया तो देख सकते हो गाइस ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के यहाँ पे 40,000 फॉलोवर्स यहाँ पे ट्विटर पे होने वाले हैं गाइस, जिसका यहाँ पे YouTube चैनल वगैरह भी है। तो इसके भी हमको टोकन मिल चुके हैं, डिपेंड करेगा इस टोकन की वैल्यू यहाँ पे $10 होती है, $20 होती है या $5, $10। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम 10 कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ। अब बात आती है यहाँ पे क्लेम कैसे करेंगे मेन चीज़। ठीक है, तो मैंने इसको जो जो मुझे अच्छे लग रहे हैं उसमें मैं यहाँ पे ए शिव है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसी प्रकार से ये 25 टोकन मिले हैं, 2 मिले हैं ये मैं कर लेता हूँ, और लास्ट में ये 100 ये भी कर लेता हूँ। ठीक है, देखो है तो ज़्यादा एयर ड्रॉप, मगर मैं अगर ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पे होगा नहीं, मैक्सिमम एक बार में 10 ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने 10 सेलेक्ट कर लिए हैं, आप यहाँ पे एग्री हो तो इसके एग्री कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्लेम माई ड्रॉप्स पे क्लिक करूंगा, ये मैंने किया क्लेम माई ड्रॉप्स पे क्लिक, तो थोड़ी देर आपको वेट करने के बाद ये देखो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा और ये देखो वेबसाइट क्या करेगी, आपको क्या देगी, तो इसने मुझे एक एड्रेस दिया, ये कह रहा है कि ये एड्रेस कॉपी करो और इस पे आप मुझे कितने ADA भेजो, यहाँ पे प्लीज सेंड 5 ADA। अब ध्यान रखना यहाँ पे कभी कभी 3 होता है, कभी कभी 5 होता है, और सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आपको 3 ADA तुरंत वापस मिल जाएंगे। ठीक है, 3 ADA आपके वापस हो जाएंगे तुरंत, मतलब 3.1 और यहाँ पे 1.89 ADA ये टोटल कॉस्ट कटेगी जो भी इस वेबसाइट की। और ये जो टोकन आपने सिलेक्ट किए हैं ना, ये 10 टोकन वो वाले आपकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ, इस एड्रेस को मैंने किया कॉपी। ठीक है, अब मैं उसी वॉलेट में आ गया जिस वॉलेट में मैंने अपना ADA डेलीगेट कर रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेंड पे मैंने क्लिक किया और जैसे कि इसने यहाँ पे रिसीवर पे मैं डालता हूँ एड्रेस और यहाँ पे मैं डालता हूँ अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे 5 बोला गया था तो मैं यहाँ पे 5 डालूंगा और 5 डालने के बाद यहाँ पे 7-8 रुपए के आसपास मुझे फीस लग रही है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद सेंड पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड, चलिए इस बार शायद पासवर्ड ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये भी गलत बता रहा है, ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ से अपने 5 ADA भेज दिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इस वाले पेज पे और यहाँ पे देखो साफ साफ क्या लिख के आ गया, देखो आपके सामने, विड्रॉल वाज सक्सेसफुली, प्रोसीड टू योर टोकन विल बी अर्बी योर वॉलेट सून। ठीक है, लगभग प्लीज अलाउ अप टू 72 हो। ठीक है, प्रोसेसिंग ड्यू टू क्लेम, ठीक है, सबमिटेड, यहाँ पे हो चुका है हमारा टिकट, मतलब इनको पेमेंट रिसीव्ड हो चुकी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वॉलेट में, तो देखो यहाँ से हमारे जो 5 ADA थे वो यहाँ से कट चुके हैं। तो मेरे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2-3 मिनट वेट करना पड़ेगा, आपका जो 3 ADA वो वापस आ जाएगा और वादे के मुताबिक आपका आ चुका है। और जो अब तक आपका एसेट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा था वो भी यहाँ पे एसेट का ऑप्शन शो हो चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे देखो मेरे 5 ADA कटे थे, ओके, अब यहाँ पे 10 एसेट के साथ, ठीक है, मेरा 3 ADA वापस आ चुका है, मतलब 3.92। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 3 ADA 10 टोकन को लेके आया। अब यहाँ पे आपको ये टोकन कहाँ से होंगे, जैसे यहाँ पे ये एसेट का ऑप्शन है, ये पहले नहीं था, जब आपका यहाँ पे एसेट आ जाएंगे तो एसेट पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो ये गाइस वो एसेट हैं जो मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से वो 10 एसेट आ चुके हैं। अब इसी प्रकार से आपको जब भी वहाँ से अपने टोकन को विड्रॉल करना होगा तो यहाँ पे आपको इन एसेट को इस प्रकार से यहाँ पे लाना है। आई होप योर ओई बॉलेट का ADA स्टेकिंग का डेलीगेशन का जो भी एयरड्रॉप का मतलब पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इसको आप अब स्टेप बाय स्टेप कर लोगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में पूछ लेना, कमेंट में रिप्लाई ना मिल पाया तो टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे ना मिल पाया तो व्हाट्सएप नंबर दे दिया है वहां पे कांटेक्ट कर लेना, एक ना एक जगह आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लेट मिलेगा हाँ इतना मैं बता रहा हूं। तो अब चलते हैं जो बिल्कुल, और देखो जो मैं सबसे लास्ट एयरड्रॉप बताने वाला हूं इसकी भी सारी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, और जो
एयरड्रॉप है, हो सकता है काफी लोगों ने इसका जो वर्जन बनाया था वो कर लिया हो, मगर यहाँ पे अब इनका जो वर्जन 2.0 है वो यहाँ पे लाइव हो चुका है। और देखो यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे इनका मेन नेट का ज्वाइन कर लिया तो मैं यहाँ पे मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम ये $7,000 से $8,000 का एयरड्रॉप साबित हो सकता है, मगर यहाँ पे ये कंडीशन है क्योंकि अभी इनका जो टेस्ट नेट चल रहा है हम इनका सिर्फ टेस्ट नेट ज्वाइन करेंगे, हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ टेस्ट नेट वालों को भी टोकन रिसीव्ड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोजेक्ट है 2019 से मार्केट में डेवलपमेंट कर रहा है और हो सकता है आने वाले समय में बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट दे के जाए, वो भी इनके अर्ली यूजर होंगे टेस्ट नेट वाले। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना कीवी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे इसके जो लिखा है ना नेटवर्क आपका, इस नेटवर्क पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो आपको 2-3 नेटवर्क मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क मिलेंगे। जो ये गोरली टेस्ट नेट नेटवर्क है ये तो ऑलरेडी आपके वॉलेट में ऐड होता है, ठीक है, हमेशा सबके वॉलेट में वेंडा मास्क में ऐड मिल जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे जो ये वाला एड्रेस है ये जो मैंने आपको दिया है ZK सिंस अल्फा टेस्ट नेट, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना पड़ेगा और ये जो नेटवर्क है ये वाला भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क नेम में नेटवर्क नेम डालना है और RPC में RPC, ठीक है। तो उसी प्रकार से तीनों चार ही चीजें यहाँ पे डाल देना और देख लेना यहाँ पे जो ऑप्शनल वाला है ना ये दो, तो ये वाला दो मैं नहीं दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ रहा है, दिस URL इज ऑलरेडी यूज, ठीक है, तो इसको मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब आपका वॉलेट बिल्कुल मतलब रेडी हो चुका है, अब आपको सिर्फ यहाँ पे फॉसेट लेना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ZK सिंस का एड हो गया नेटवर्क और यहाँ पे गोरली का ऑलरेडी होता है, तो अब आपको मैं बिल्कुल सबसे नीचे आ जाना और यहाँ पे मैंने आपको कुछ लिंक प्रोवाइड की है, ठीक है। जो सबसे पहली वाली लिंक है इसको कॉपी कर लेना और इसको आप अपने कीवी ब्राउजर में पेस्ट कर लेना। अब देखो इस एयरड्रॉप को जो फ्री में पैसा कमाना चाहते हैं मोटा, वो लोग बिल्कुल भी यहाँ पे इसको मिस ना करिएगा, ठीक है। अब ये चेक करेगा आपके वॉलेट को, जैसे ही आपके मेटामास्क पे एक कन्फर्मेशन आएगी क्योंकि यहाँ पे आपका कोई अदर वॉलेट यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपना वॉलेट जो कि मैंने आपको बताया था गोरली वाला वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्विच कर देना, जैसे यहाँ पे स्विच करोगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इसने ये वाला नेटवर्क सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली ये जो गोरली नेटवर्क है उस पर सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक फॉसेट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब देखो जैसे ही फॉसेट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, आपको कर देना है रिक्वेस्ट फॉसेट। जब इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे देखो मुझे अभी मैंने कंप्लीट तो हो गया मगर जब मैं अपने वॉलेट में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी ETH गोरली टेस्ट वाला नहीं मिला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको एक फॉसेट का लिंक दिया होगा, इस प्रकार से फॉसेट ओपन हो जाएगा। ध्यान होगा आपको परसों मैंने एक तरीका बताया था, बस यहाँ पे फर्क इतना ही है कि वो रिंकी वाई था, ये यहाँ पे गोरली है, ZK सिंस है। तो इस एड्रेस को आप कॉपी कर लेना, जैसे इसको कॉपी करोगे इस वाले पेज पे आ जाओगे। अब इस वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट ट्वीट, तो इस ट्वीट पे क्लिक करना है। जैसे इस ट्वीट पे क्लिक करोगे तो जितने भी इस 0 से लेके इस 0X तक आपके नंबर हैं इनको आपको कर देना है डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना एड्रेस पेस्ट कर देना है जैसे मैंने कर दिया है और यहाँ पे आपको ट्वीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्वीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो प्रोफाइल पे जाके अपनी उसी ट्वीट को ओपन कर लेना और यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे आप डाल देना। ऑलरेडी ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था और यहाँ पे गिव मी ईथर पे क्लिक करके जो 1 ईथर 1 डे इस पर क्लिक करके आप, और देखो मैंने आपको 2 बता दिए, ठीक है। अगर उससे भी ना हो तो ये 3 फॉसेट दूंगा, एक ना एक से आपका फॉसेट। अब जैसे ही आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ ETH आ जाता है तो यहाँ पे दोबारा से अपनी वेबसाइट पे चले जाना। आपको याद होगा अभी मैंने वॉलेट पे एक आपको एड्रेस ऐड कराया है ZK सिंक वाला, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिपॉजिट का, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके जो गोरगी वाले में एड्रेस होगा मतलब अमाउंट होगा ETH का वो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अपने ZK सिंक पे भेज लेना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे 0.1 डाल देता हूँ, ठीक है, 0.1 डाल देता हूँ और मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा तो कुछ ना कुछ मेरे मेटामास्क पे यहाँ पे एक कन्फर्मेशन आई होगी जिसको मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। अब देखो इथेरियम का नेटवर्क है तो यहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड लग सकते हैं, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये पेंडिंग
शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो मेरा यहाँ पे अमाउंट कट हो चुका है, और ये अमाउंट जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे जो मैंने एड्रेस ऐड कराया है जेड के सिंस अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट शो होने लगेगा। अब यहाँ पे आपको ये अमाउंट आने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है, तो मैं यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज कर देता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लेयर 1 से लेयर 2 पे ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो जो भी इनके अर्ली यूजर होंगे इनको ये बड़ा रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा। तो इसको कोई भी बंदा मिस मत करना, और सभी बंदे वीडियो को लाइक भी करते जाना, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे डिपॉजिट भी कर दिया, गेन 3 डॉट पे क्लिक करना, ट्रांसफर पे क्लिक करना अपने मेटामास्क से, या फिर तो जो ट्रांसफर का ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। और आप रैंडमली किसी का भी एड्रेस उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमको करना है इसको टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने अपने गोरली टेस्टनेट से यहाँ पे जेट के सिंक्स के टेस्टनेट पे अपना इथेरियम भेजा था, ठीक है, 0.1। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे किसी अदर वॉलेट में, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.00 या 0003 या फिर 4, जितना भी आप कर सकते हो, और फी इतनी लगेगी माइनर, ठीक है। तो मैं ट्रांसफर पे क्लिक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये टेस्टनेट है, तो हमको इसका एक एक यहाँ पे ऑप्शन को यूज करना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम इनके जो भी इनका टेस्टनेट का रिवार्ड मिलेगा उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाए, ओके। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके बाद भी यहाँ पे अमाउंट डाल के विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो अप टू यहाँ पे आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा, जो कि मैंने भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक करके दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका काम हो गया कम्प्लीट। अब जो इसकी सेकेंड साइट है, इसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, और इसको भी कॉपी करके अपने कीवी ब्राउजर में पेस्ट कर देना, और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे गिव मी ट्राई पे क्लिक करना, फिर उसके बाद आपको, ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको अपना इथेरियम का वॉलेट कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो आपका कनेक्ट होगा साइट, ये इनकी है wallet.gksins.io, तो यहाँ पे आपको इथेरियम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इथेरियम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मेटामास्क पे क्लिक कर देना है, और फिर से आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, 3 डॉट पे क्लिक करना, आपके मेटामास्क पे एक कन्फर्मेशन आया होगा, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना, ठीक है। एक बार काम करने के बाद में आपको दोबारा से फिर से करना है, क्योंकि अब ये स्विच होगा आपका जो जेट के सिंक नेटवर्क था उससे अब रिंग की वाई टेस्ट नेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको दोबारा चले जाना है अपनी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे जो आपको प्रोसेस है वो प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे प्लस फंड लिखा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टोकन को मिंट करना है, तो उसके लिए आपको मिंट टोकन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप उस टोकन का नाम सिलेक्ट करोगे जो भी टोकन आपको मिंट करना है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे USDT लिख देता हूँ। अब USDT जैसे यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप उस अमाउंट को डालोगे जितने भी टोकन यहाँ पे आप मिंट करना चाहते हो। चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 5 डाल देता हूँ, और यहाँ पे मिंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं मिंट पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे कह रहा है जो भी टोकन आपने ये सिलेक्ट किया है तो ये अभी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप ट्राई टू मिंट डिफरेंट, तो यहाँ पे आप डिफरेंट टोकन को सिलेक्ट करो। तो डिफरेंट मैंने यहाँ पे USTC सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद मेरे मेटामास्क पे कन्फर्मेशन आएगी, और इसको भी सक्सेसफुली मैं यहाँ से कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन भी दिख जाएगा कि आपने मिंटिंग करने के लिए इसको सबमिट कर दिया है, जो कि इंस्टेंटली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये दोनों तीनों सारी चीज़ें यूज करनी है, तो उसी प्रकार से इसके जितने भी ज़्यादा फीचर्स हैं आप इसको मिंट कर सकते हो, इसको मिंट कर सकते हो, सारे चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप मिंट कर लेना। अब देखो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, अब अगर एक टोकन मिंट करना बता दिया तो दूसरा भी आप कर लोगे। इसके और भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, जैसे मतलब और भी ऑप्शन है, उनको भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, तो आप इसको कर लेना, ठीक है, बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।